पे उन्हें देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं, राजनेता पर नाम नहीं लेंगे उनका, कि वो लोग एकदम लाचार से हो जाते हैं, बुजुर्ग से हो जाते हैं, और अचानक उनको जब बड़ा पद मिल जाता है तो उनके अंदर एक ऐसी जागृति आती है कि वो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं। जब हम लोग सिक्योरिटी वालों से उनकी बात करते हैं तो बोला अरे साहब तो बिल्कुल सोती नहीं है, 4 बजे 12-1 बजे सोते हैं और 4 बजे फिर आ जाते हैं और फिर एकदम काम करते हैं। तो ऐसी कौन सी ताकत है उनके अंदर जो हमारे अंदर नहीं है, जो उनको मोटिवेट करती है हमें मोटिवेट नहीं कर पाती है, बताएगा कोई? क्या ऐसी कौन सी ताकत आ जाती है कि एक आदमी जो 70 साल का है या 75 साल का है या 67 साल की उम्र में बुजुर्ग अवस्था के लिए आगे बढ़ रहा है और अचानक उसको पद मिलता है? बड़ा बहुत सारे उदाहरण है, नाम ही ले सकता हूँ, पद की गरिमा की और बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं। तो ऐसी कौन सी ताकत होती है उनके अंदर जो अचानक किसी पद के मिलने से, किसी इंपॉर्टेंस के मिलने से हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी आंखों को, कान को, सबको मजबूत कर देती है? कोई किसी ने सोचा आपने कभी? बताइए। जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी तो हमारे पास और सारी होती है। जिम्मेदारी सबसे बड़ी एक मजदूर के पास होती है, जिसके पास अगले दिन का खाना नहीं होता है, जिसके पास जाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं होता, बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर वो एक दिन जिम्मेदारी के लिए पूर्ति नहीं करेगा तो अगले दिन हो सकता है उसको भूखा मरना पड़े। हमारे अंदर क्या है जो ऐसा? एक हमारे यहाँ विद्वान हुए हिंदुस्तान में, उनके बारे में कहा जाता है कि वो किताब के ऊपर हाथ रखते थे और किताब वो ग्रास कर लेते थे पूरी किताब। ये उन्होंने अपने आप को डेवलप किया था। ऐसा क्या हमारे अंदर इनकल? वेरी गुड। कर दिखाने की ताकत होती है। वो कर दिखाने की ताकत को और अपन मॉडिफाइड शब्दों में कहें तो ऐसे क्या है जो एक आदमी को आदमी से, अभी एक कल पेपर में देखा था, एक मेरे बच्चे का दोस्त है, वो 6 साल की उम्र में बाइक राइड करता है और स्टंट करता है। उससे पत्रिका में बड़ा भारी सा फोटो आया था उसका। मैंने उस बच्चे को देखा है किसी पार्टी में, बड़ा अच्छा लगा देखे कि 6 साल का बच्चा और बाइक चला रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो, ऐसी कौन सी ताकत है जो हमारे अंदर नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर आ जाती है? खासकर मैं उस एज वाली बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है बहुत। हाँ बताइए प्लीज। इच्छा शक्ति, बहुत बढ़िया। ये आप और क्लोज पहुंचे, इन सबको अपन ग्रास रूट में अगर एक साथ इकट्ठा करें तो मन होता है हमारे अंदर, एक तो मस्तिष्क होता है जो फिजिकल, जिसकी अवेलेबिलिटी है, जो कि साइंस मानता है। लेकिन भारतीय सनातन धर्म और हमारी जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं मन के बारे में बात करती हैं। मन एक ऐसी ताकत है कि हम विचार करते हैं, यहाँ बैठ के अभी बोलेंगे आप सब आंखें बंद कर लें, अब सब लोग अपने अपनी गाड़ी उठाएं, घर पहुंच जाएं, तो आप लोग घर पहुंच जाएंगे, आपको घर दिखने लगेगा। हम आपको कहेंगे कि आप घर जाके ताला खोलिए, उसके बाद जाके अंदर एक गिलास पानी पीजिए, वापस आ जाइए, तो आप वापस वास्तव में वापस आप आ जाएंगे। आपको दो सेकंड ही लगेगा, आप गति से जाके गति से वापस आ जाएंगे। मन एक हमारे अंदर की ताकत है जिसको हम इच्छा शक्ति बोल सकते हैं, जो हमारी एक आध्यात्मिक ताकत जिसको हम बोल सकते हैं। वो ताकत होती है जब हमें इंपॉर्टेंस मिलती है, बहुत सारे लोग हमारे आसपास आ जाते हैं, घेर लेते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली शक्तियां प्रभावित होने लगती हैं। वो शक्तियां पॉजिटिविटी है, वो शक्तियां हमारी आंतरिक शक्तियां हैं जिनको हमें जागृत करने की आवश्यकता है, और वो शक्तियां हम जागृत नहीं करते हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि हम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जो है पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है, हम कुछ करने लायक नहीं है, हमें तो भगवान ने ऐसे ही बना दिया है। ये इस टाइप की बातें हम करते रहते हैं और इस कारण से परेशानी होती है। एक राज्य में एक राजा साहब को कांटा लग गया, कांटा लगा तो खून निकला, तकलीफ हुई। तो उन्होंने कहा कि इसका हल बताया जाए, तो उनके जो आसपास के जो मंत्रीगण थे, बड़े विद्वान थे, एक ने कहा सर ऐसा करते हैं पूरी धरती को जानवरों के चमड़े से पाट देते हैं। तो चमड़ा आना शुरू हुआ, पाटना शुरू हुआ, तो किसानों ने कहा भैया ऐसा कैसे कर रहे हो, आप पाट दोगे तो हम लोग खेती कहाँ करेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है इस आइडिया को रिजेक्ट करो और बताया जाए। तो एक ने कहा कि साहब ऐसा करते हैं, आपको कांटा इस साइड पे होता है, इस साइड तक पूरा पानी भर देते हैं। तो समुद्रों से और नदियों से पानी निकाल के उसमें डालना शुरू कर दिया, फिर वही स्थिति घरों में पानी भरने लगा, सारा खेत भर गए, मच्छर हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, वो आइडिया ड्रॉप किया गया। और बताइए क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा साहब ऐसा करते हैं कि पूरी धरती में एक बार आग लगा देते हैं, सब लोग कहीं कहीं स्थान ले लेंगे, उसके बाद आग लग जाएंगे, सारे कांटे जल जाएंगे, हमेशा के लिए आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो वो बात पे सब सहमति होने लगी, तो तैयारी होने लगी। इतने भी बुजुर्ग व्यक्ति आया, बड़ा कमजोर था, निश्चित तौर पे बड़ा पद उसके पास नहीं था, इंपॉर्टेंस उसकी नहीं थी। उसने एक जूते जैसा सेब बना के दिया, जूते का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय। उसने कहा साहब आप ये जूता पहन लो तो आपको कांटा नहीं लगेगा। तो बात यह है कि हम जो है कांटा से बचने के लिए करते क्या है, हम पूरे खेत में कहीं पानी भरने का प्रयास करते हैं, कहीं हम जो चमड़े बिछाने का प्रयास करते हैं, कहीं हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन जरूरत होती है थोड़े से जूते की। और वो जूता पहन लिया उसने, और उसके बाद हालांकि उसकी इंपॉर्टेंस कम थी, जो लोगों ने उसको डिमोरलाइज किया और कोशिश करी राजा साहब को कि साहब ये पता नहीं क्या करेगा, ये जो है जूते में कोई जहर दे देगा, आपका जीवन खतरे में। तो राजा ने जूता उतार दिया, फिर वो जो एंड सोन जो जितनी भी उनकी हो सकती थी वो सारी परिकल्पनाएं चलती रही। कहने का आशय ये है कि हम अपने जीवन में, अपने महाभारत में, हर हर जीवन एक संघर्ष होता है, जैसा कि अभी निकिता भी बता रही थी,
हर जीवन संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। वास्तव में अभी जोशी जी ने बताया आपको कि आप पद पे पहुंचने के लिए किला फतह करने जा रहे हैं, किले के अंदर की परेशानी आपको मालूम नहीं है, जब किले पे पहुंच जाएंगे तो आपको पता चलेगा तो किले के अंदर की परेशानियां और टफ है। जीवन जो है संघर्ष के लिए बनाए और संघर्ष के लिए हम सब बने। अगर संघर्ष करना हम बंद कर देंगे या हम सोच लेंगे कभी एक दिन अच्छा आएगा, महापुरुषों की आपने कहानियां सुनी होंगी, भगवान राम तो रामायण में वो कहानी आती है जब तक उन्होंने संघर्ष किया, युद्ध किया, युद्ध के बाद आराम कितना किया, ये कहीं कहानी में आया क्या? किसी की कहानी आपने पढ़ा कि इन्होंने इतना करने के बाद इतना आराम किया? आराम हमारे जीवन में नहीं है। अगर आराम हमारा होगा तो हमारा जीवन का वो पार्ट डिलीटेड है। दुनिया के मतलब का नहीं है, जनता के मतलब का नहीं है, आम आदमी के मतलब का नहीं है, किसी के मतलब का नहीं है। संघर्ष हमारा जो होता है वो दुनिया के मतलब की चीज होती है। तो कहने का आशा ये कि हम संघर्ष करें हमारे जीवन के। महाभारत में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण और अर्जुन। और आपने देखा होगा कि कृष्ण बड़े योद्धा थे, ऑब्वियसली कृष्ण बड़े योद्धा थे, बड़े भगवान थे, भगवान के अवतार थे, लेकिन वो रथ चलाते हैं और युद्ध कौन करता है? अर्जुन करता है। होना उल्टा चाहिए, होना ये चाहिए कि कृष्ण युद्ध करें क्योंकि कृष्ण बड़े योद्धा है। अगर वो युद्ध करेंगे तो हो सकता है उनको सारथी की जरूरत ही ना पड़े, अर्जुन अपने घर में आराम करते रहे और कृष्ण जाके सारा युद्ध खत्म करते हैं एक बार में। लेकिन सारथी के रूप में कृष्ण जी की परिकल्पना की गई है और योद्धा के रूप में अर्जुन को बिठाया गया है। हमारे जीवन में भी वही महाभारत लगातार चलता रहता है, लेकिन हमारे जीवन में हमने क्या किया है, हमने जो है सारथी के रूप में बिठा दिया है अर्जुन को, और कृष्ण के रूप में कृष्ण को हमने बिठा दिया है, पीछे खड़ा कर दिया है। इस कारण से सारी परेशानियां होती हैं। हमें जीवन में क्या लक्ष्य पाना है, हमारे जीवन के मूल क्या है, हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन के मॉरल्स क्या होना चाहिए, इन सब पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। हमें देखना है कि हमारे जीवन की जो वृत्तियां हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो इंद्रियों के हमारे आकर्षण हैं, उन आकर्षणों में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे जीवन में सारथी को हम बदल दें।